हेलो, वेलकम टू द चैनल रेक्स द जर्मन शेफर्ड। ये हमारा रेक्स है। अच्छा, आज की वीडियो का टॉपिक हम ये करेंगे कि बहुत सारे भाई मुझसे पूछते हैं कि यार हमारे जो डॉग है ना वो कोट है, यानी कि जो इनके बाल हैं इनको कोट बोलते हैं। ये डार्क नहीं हो रहा, शाइन नहीं कर रहा, बहुत लाइट होता जा रहा है, हम क्या करें? अब इसकी कुछ रीजंस भी होती हैं, ठीक है, हेल्थ रीजंस भी होती हैं, फिर डाइट रीज़न भी होती है, काफ़ी चीज़ें इसमें ना इंक्लूड होती हैं। तो मैं आपको बारी बारी ना हर चीज़ का बताता रहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने अपने डॉग को गर्मी में रखा हुआ है या धूप के अंदर रखा हुआ है तो उसका जो ये कोट है ना ये लाइट होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप रेक्स का कोट देख रहे हैं, ये डार्क है, यहाँ से डार्क शेड कर रहा है, ठीक है, हेल्दी हेयर्स हैं इसके, स्प्रेट हेयर्स हैं। तो ये अगर मैं इसको धूप में रखूँगा, गर्मी में रखूँगा, तो ये जो इनकी शाइन है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है? डाइट। डाइट में आपने दूध नहीं देना, मैं दूध के सख्त खिलाफ़ हूँ किसी भी पेट को देने के, डॉग को भी नहीं देना चाहिए, कैट को भी नहीं देना चाहिए। योगर्ट दें, जितना हो सकता है योगर्ट दें, गर्मियों में तो मस्ट आपको 3 से 4 मरतबा योगर्ट लाजमी देना चाहिए। अब आपकी डाइट भी ठीक हो गई है, अब आप गर्मी में भी नहीं रख रहे, तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा आपका? सबसे पहले मैं आपको होम रेमेडी बता देता हूँ। उनमें आती हैं दो चीज़ें। पहली जो चीज़ है वो है योगर्ट। योगर्ट्स जितना आप देंगे इनके जो हेयर्स हैं ना वो शाइन करना स्टार्ट हो जाएंगे, इनके हेयर्स भी जो है वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे और इनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। जो भी ये खाएं पिएंगे इनको लगेगा। और दूसरी चीज़ है शैम्पू, ठीक है, आपने शैम्पू अच्छे से यूज़ करना है। मैंने एक वीडियो भी बनाई है शैम्पू के ऊपर, अगर आप वो वीडियो देखना चाहती हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया हुआ कि कौन सा शैम्पू यूज़ करें और कितनी दफ़ा नहलाना और कैसे नहलाना है। तो ये दो चीज़ें होंगी होम रेमेडी पे। अब बात करते हैं कुछ मल्टी वाइटामिन्स की। आपने वाइटामिन ई का कैप्सूल आता है, वो आपने दिन में एक मरतबा इसके फीड में ऐड कर देना। वो छोटा सा कैप्सूल होता है, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, वो खाने में ना आपने वो कैप्सूल ऐड कर देना। उससे इनके बाल काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। लेकिन गर्मियों में आपने थोड़ा सा परहेज़ करना है उसे। अगर आप गर्मियों में देना चाहते हैं तो फिर योगर्ट का इस्तेमाल लाजमी करना और उसके साथ लीवर टॉनिक, जिसका नाम है लिव 52, ठीक है, ये भी आपने लाजमी दिन में 2 ml दे दें, 3 ml दे दें, लेकिन लाजमी देना अगर आप विटामिन ई कैप्सूल खाने में यूज़ कर रहे हैं हेयर्स के लिए। डेली हेयर ब्रश लाजमी करना आपने। मैं रेक्स को 2 से 3 मरतबा डेली लाजमी ब्रश करता हूँ। इनसे इनके बाल जो है ना वो रफ़ बाल जो हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं और जो नए बाल आते हैं ना वो बड़े फ्रेश बाल आते हैं इनके, ठीक है, और स्ट्रेट भी होते हैं और काफ़ी डार्क भी होते हैं। डेली ब्रश भी हो गया, उसके अलावा आपने इनको नहलाना है लाजमी, एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी नहलाएं, इनको वॉक लाजमी करवाएं ताकि जो ये फीड खाते हैं वो इनको बॉडी पे लगे। अच्छा, कुछ भाई होते हैं वो कहते हैं कि जी हमारे डॉग के ना काफ़ी इचेज होना शुरू हो गई हैं, वो काफ़ी ख़ारिश करता रहता है अपने, वो भी उसके भी दो रीज़न है। एक तो ये कि जो उनकी फीड है ना वो बहुत गर्म है, जिसकी वजह से इनकी स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, इनको दाने निकलना शुरू हो जाते हैं या तो इनको टिक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए जब आप अपने डॉग को नहला देते हैं ना तो अपने डॉग को पायोडीन स्क्रब यूज़ करवाएं, ठीक है। जब जैसे आपने डॉग को नहला दिया ना, आपने इसको ड्राई करके उसके ऊपर पायोडीन स्क्रब मिलता है एक, वो आपने अच्छी तरह इसके बालों में लगा देना है और फिर छोड़ देना, वॉश नहीं करना। तो ये कुछ टिप्स थी, ये बहुत ही फ़ायदेमंद टिप्स हैं, आप अमल करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको रिज़ल्ट 1 month बाद मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मैं इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। गुड बाय।